Hello friends, how are you all? Hope you are all good and healthy. So welcome back to my YouTube channel. आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए प्रोडक्ट के साथ. तो जैसे कि अब तक वीडियो में देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं. तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है चारकोल फेस मास्क. तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमें इस फेस मास्क को लगाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. तो चारकोल का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपने फेस पे जो ब्लैकेट्स हो जाते हैं और ब्लैकेट्स को अगर हमें दूर करना हो तो उसके लिए हम चारकोल फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं. ये चेहरे की जो डीप क्लिंजिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है और ब्लैकेट्स जो होते हैं हमारे स्किन में उन्हें जड़ से ख़त्म कर देता है. साथ ही में इसमें जो पाई जाने वाली क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेहरे के मुहासों को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और स्किन के पोर्स को साफ करके स्किन को कुछ ज़्यादा ही ग्लोइंग और शाइनी बनाती है. और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि जो पोल्यूशन से हमारे स्किन पर जो इफ़ेक्ट हो जाते हैं उससे बचने के लिए भी चारकोल सबसे अच्छा ऑप्शन है. चारकोल फेस मास्क के अगर मैं फ़ायदे बताऊं तो उसमें से एक फ़ायदा ये भी है जो स्किन में टॉक्सिन होती है ना तो ये इसको खींच लेता है. इससे ये होता है कि स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है जो स्किन के अंदर ही होता है वो भी बाहर निकाल लेता है और आपको साफ और बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन मिलती है. और साथ ही साथ ये स्किन की डीप क्लिंजिंग भी करता है और डीप क्लिंजिंग से ये स्किन में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उसको साफ करता है और ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है. इससे बड़े पोर्स भी छोटे हो जाते हैं और स्किन में पीएच स्तर को भी बहुत ज़्यादा ही ये बैलेंस रखता है. और इसको यूज़ करने के ये फ़ायदे भी होने वाले हैं कि जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा क्लीन होने के साथ साथ फेयर भी नज़र आने वाली है. इससे आपकी स्किन का कलर फेयर तो हो गई, इसके साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा. जैसे कि आप जानते हैं जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उसके फेस पर बहुत ज़्यादा गंदगी जो होती है वो जमना स्टार्ट हो जाती है जिससे मुहासे तो आम बात हो ही जाती हैं. स्किन की ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो चारकोल फेस मास्क के थ्रू आप बहुत इजीली दूर कर सकते हैं. इससे पहले मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ कि ये कैसा होने वाला है. जैसे आपने इसकी पैकेजिंग देखी, ये ब्लैक एंड वाइट कलर की पैकेजिंग में है और मैंने इसे ग्लोबल मार्केट से ख़रीदा. आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. तो चलिए फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं. तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और ये अंदर से कुछ इस तरीके का होने वाला है. देखिए, वैसे पैकेजिंग तो मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी. वैसे ये नॉर्मल चारकोल पैक है तो उसकी ब्लैक एंड वाइट पैकेजिंग ही होती है. इसकी पैकेजिंग पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये चारकोल मास्क रिप एंटी ब्लैकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगी. अगर आप इसको अपने स्किन में एक रूटीन बना लेंगे इसको यूज़ करने का आपके स्किन के डीप क्लिंजिंग के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि मैं इसमें देख पा रही हूँ इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलरेडी मेंशन है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है. लेकिन मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसका मास्क आपको किस तरीके से पील ऑफ करना है, देन अप्लाई कैसे करना है, वो मैं सब आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ. तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे इसकी पैकेजिंग, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि ब्लैक एंड वाइट नॉर्मली आप कोई भी फेस मास्क खरीदेंगे, किसी भी कंपनी का फेस मास्क खरीदेंगे, वो आपको जो चारकोल का होने वाला है वो वाइट एंड ब्लैक की पैकेजिंग में ही आने वाला है. तो चलिए फिर अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं, अपने स्किन पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है. पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ. तो उसकी ओपन करेंगे तो इस तरीके का होगा. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का होने वाला है. तो चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन करके अपने स्किन पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा होगा. तो मैं इसको थोड़ी सी क्वांटिटी पे अपने स्किन पर अप्लाई करके दिखाऊंगी. देखिए, मैं थोड़ा सा अपने हैंड्स पर लगा कर आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल थिक ब्लैक. और आपको इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी अब मैं बताने वाली हूँ. मैं तो नॉर्मली फेस मास्क जो चारकोल वगैरह का होता है अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अपने स्किन की डीप क्लिंजिंग करनी होती है और जो स्किन में छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, वो भी इससे बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं. तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का होता है, काफ़ी थिक होता है और आपको स्किन पर इस तरीके से कुछ अप्लाई करना है. ये देखिए,
मैं धीरे धीरे इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी स्किन में प्रॉब्लम है। वैसे तो आप अपने फुल फेस पे इसको अप्लाई करिए, बस आईज़ एंड आपके जो लिप्स वगैरह हैं उस पर आप नहीं कीजिएगा। आप अपने आईज़ से थोड़ा इसमें स्पेस बना के, बाकी जो आपके फेस के एरियाज है जहाँ आपको लगता है कि आपकी स्किन डल हो गई है, टैनिंग हो गई है, स्किन में पिंपल्स हो गए हैं और आपके स्किन में ब्लैक हेड्स हैं, आप वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। मैं अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया कि स्किन को एक्सफोलिएट करता है और इससे स्किन के अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो, ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने फेस पे किस तरीके से अप्लाई करना है। आप इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए धीरे धीरे, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि स्किन में आपके पिंपल्स हैं और ब्लैक हेड्स हैं, स्पॉट्स हैं, आप वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर लीजिए। इस फेस मास्क से आपको जो एक्ने के प्रॉब्लम होती है और जो आपके स्किन पे कील मुहासे होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको बहुत जल्दी रिमूव करने वाला होता है ये। अंडर आर्म्स का जो कलर आपको हल्का करना है, जो डार्क हो जाता है, तो आप चारकोल मास्क यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट नज़र आने वाले हैं। और चारकोल के जो हम यूज़ करते हैं उससे जो आपकी स्किन डेड हो जाती है, वो डेड स्किन भी इससे ईजिली निकल जाती है। और जिसकी अंडर आर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाते हैं और उनकी अनइवन टोन हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। और साथ ही में ये अंडर आर्म्स में आने वाले अंडर आर्म्स में यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि इस चारकोल पाउडर में 2 चम्मच आप शहद ऐड कर लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच नींबू मिलाकर इसको थोड़ी देर तक अपने अंडर आर्म्स में लगा कर रखिए और फिर उसको पानी से वॉश कर लीजिए, जो उसमें आपके अंडर आर्म्स में थोड़ी सी स्मेल वगैरह आती है वो भी आना आपकी ख़त्म हो जाए। जैसे कि अब ये मास्क ड्राई हो चुका है, तो ड्राई होने के बाद आप देखिए किस तरीके से ये आपके स्किन पर ये हो जाएगा। देखिए आपके स्किन पर कुछ इस तरीके से ये स्टिक हो जाता है, तो आपको ऐसा करना है, इसको धीरे धीरे अपने स्किन से निकालना है। वो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, आप ऊपर वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से अपने स्किन पर धीरे धीरे इसको रिमूव करना है। देखिए किस तरीके से बहुत ही ईजिली, बहुत ही हल्के हाथ से आप धीरे धीरे स्किन पर से इसको रिमूव करिए। देखिए कुछ इस तरीके की आपके स्किन पर परत बन जाएगी और जो भी आपके स्किन पर डर्ट होने वाली है, जो ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक मार्क्स वगैरह जो भी हैं, वो इस तरीके से इस मास्क के साथ आपके स्किन से रिमूव होने वाले हैं। तो ईज़िली आपको अपने स्किन से इसको पील ऑफ करना है और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा हार्शली ना करें, बहुत ईज़िली, बहुत धीरे धीरे आपको करना है, तो ये ईज़िली आपके स्किन से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए आपको जैसे फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जितनी भी मेरे स्किन के अंदर डर्ट थी वो सब क्लीन हो चुकी है इस मास्क के थ्रू। अगर आपको अपने स्किन क्लीन चाहिए, ग्लोइंग चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, तो आप इस मास्क को हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं। और ब्यूटी एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि आप कम से कम 2 बार तो यूज़ ही कर लीजिए इसको। और जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो ऑयली स्किन वाले इस फेस मास्क का मैंने जैसे कि बताया कि आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी ड्राई स्किन है वो 1 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके लगाने के बाद अगर थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो आप इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, तो और ज़्यादा ही आपके स्किन में निखार आने वाला है। और इसकी ख़ास बात ये कि अगर चारकोल फेस मास्क से आपके स्किन में आपकी जो ब्यूटी होती है वो इन्हांस होती है, तो चारकोल के और ज़्यादा फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे ये हैं कि इसकी रिसर्च में बताया गया है कि चारकोल के यूज़ से आपकी स्किन की समस्याएं तो दूर होती ही होती है, साथ साथ आपके स्किन की जो भी डाइजेशन सिस्टम है उसको भी सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप चारकोल का इस्तेमाल दांतों के लिए करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और ये जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको भी कम करता है, और इसके इस्तेमाल से किडनी फंक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा ही सुधार आता है।
और डॉक्टर्स भी इसके बारे में बोलते हैं कि आपको इसका यूज़ तो करना ही चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको अपने स्किन पे से पूरी तरीके से पील ऑफ कर लिया है। गाइस, आपको खुद फर्क नज़र आ रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी क्लीन हो गई आफ्टर यूजिंग दिस चारकोल मास्क। तो मुझे तो इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिले हैं और मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं इसके। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में थोड़ा सजेस्ट करें और फिर उसके बाद जो आपकी स्किन पर सूट हो सके उस ब्रांड का आप चारकोल मास्क यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन टाइप से मैच करता हुआ ही आप यूज़ करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप देखें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ आप वैसा ही यूज़ करें, जिसमें केमिकल्स वगैरह ना हो, पैराबेंस एंड फ्रेग्रेंस वगैरह जो ऐड ऑन होती है वैसा वाला आप बिल्कुल भी ना ख़रीदें। जो आपके स्किन के स्किन टाइप को सूट करे आप वही ख़रीदें। मुझे जो इसके रिज़ल्ट मिले हैं मैंने आपको वो इस वीडियो में बताए हैं। एक्टिवेटेड चारकोल में स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ही स्किन बेनिफिट होते हैं, तो आप अपने स्किन पर इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने स्किन पर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे हल्के हल्के हाथों से पील ऑफ कर लीजिए। आपकी स्किन 100% क्लीन होने वाली है। आपके स्किन से जब आप इसको पील ऑफ कर लेते हैं तो उसके बाद किसी अच्छे से फेस वॉश से उसको वॉश कीजिएगा और उसके बाद आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल आपके फेस के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन पर अप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ही ग्लो लाने वाला है। तो आपके स्किन के ब्लैक हेड्स तो हटेंगी, साथ ही साथ आपके स्किन डीप क्लीन भी हो जाएगी। चारकोल मास्क में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपके स्किन को इससे हेल्दी बनाते हैं और जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर भी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पास ही में एक बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोज़ सब बराबर मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा और मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा कि मैं किस तरीके की वीडियोस और बनाऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।